दोस्तों आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में औसत से एक प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, 20 से 90 तक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य हों। यानी 20 के ऊपर, 20 से लगाकर 90 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या हैं जो 8 से विभाज्य हैं और उनका औसत कितना है, ये बताना है। ठीक है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है 20। ठीक है, 20 8 से तो नहीं कटेगी, तो 20 से बड़ी कोई एक संख्या ऐसी ढूंढिए जो 8 से विभाज्य हो। 21, 22, 23, 24, तो ये पता चल गया। ठीक है, 20 से बड़ी कौन सी हो गई, 24। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी, ठीक है, वो होगी 24 संख्या। ये 8 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। अब 90 तक की संख्याओं का पूछा गया था ना, तो 90 तो 8 से कटेगी नहीं, तो 90 से नीचे ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से पूरी पूरी वो कट जाती है। तो संख्या देखेंगे 88, यानी 88 आ जाएगी, ये 8 से कट जाती है। तो वही पूछा गया यहाँ पर है, 8 से विभाज्य हो। देखिए, तो इस तरीकों को ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, चाहे यहाँ पर 5 से विभाज्य हो, चाहे 3 से विभाज्य हो, चाहे 6 से, 7 से, किसी से भी। तरीका जो इसमें हम लगा रहे हैं वही तरीका उसमें भी लगेगा, इसीलिए इसको समझ लीजिए। फिर आप कोई भी प्रश्न होगा इस तरीके से विभाज्य वाला औसत निकालने के लिए, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 20 से 90 बताया गया, तो 20 से एक या 20 संख्या 21, 22, 23 ऐसे करके चेक कर लेना है कौन सी संख्या जो है 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी, उसको छोटा मान लेते हैं यानी छोटी संख्या। तो यहाँ पर 24 जो आई है ये हमारी 8 से विभाज्य है। और 90 तक पूछा गया था, तो 90 से नीचे की संख्या हम देखेंगे कौन सी विभाज्य होगी, तो 90 से नीचे आती है हमारी 88, ये लास्ट डिजिट है, सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है प्रथम पद हमारा ये हो गया, 24 हो गया, और अंतिम पद ये हो गया। ठीक, औसत निकालने का फॉर्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, तो वो औसत निकल आता है। ठीक है, तो औसत का हम फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, औसत बराबर होता है प्रथम पद, और प्रथम पद हमारा कितना निकल के आया था, 24, प्लस करेंगे अंतिम पद, और अंतिम पद हमारा कितना आया, 88। ठीक है, ये अंतिम पद हो गया, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम और अंतिम पद हमें निकालना होता है इस तरीके के प्रश्नों में। ठीक है, उसके बाद जो है हम इस तरीके से फॉर्मूले में रख देते हैं, दो से भाग दे देंगे, यही हमारा फार्मूला है औसत निकालने का। यहाँ पर लिख देते हैं, औसत में होगा प्रथम प्लस अंतिम पद। ठीक, अंतिम पद को डिवाइड करते हैं दो से, तो ये इसका फार्मूला था, हमने यहाँ पर रख दिया। इन सभी को जोड़ लेते हैं, 8 4 12 के 2। ठीक है, 8 और 2 10 1 11, कुल मिलाकर नीचे हो गया 2। ठीक, इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे, 2 अक्कम 2 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, तो औसत निकल के आ गया हमारा 56। कितना आ गया, 56। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। तो आपने देखा कि किस तरीके से 20 और से लगाकर 90 तक की संख्याओं का औसत हमने निकालना सीख लिया है। अब 20 से यहाँ 90 तक में पूछे कि 5 से विभाज्य कितनी है, ठीक है, तो अब भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। 6 से विभाज्य कितनी, तब भी निकाल सकते हैं। तो बेसिक तरीका, प्रथम पद और अंतिम पद निकालना आना चाहिए, निकालने के बाद उसे 2 से भाग दे देंगे, सॉल्व कर देंगे, वही उसका औसत मान निकल आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।